खरगोन जिले में तुलावटी हमाल संघ अपनी मांगों को लेकर विगत 3 दिन से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा है। ऐसे में शासन प्रशासन स्तर तक कोई सुध नहीं लेने पहुंचा। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में तुलावटी हमालों को हटा दिया गया है। ऐसे में प्रदेश सहित खरगोन जिले का संगठन भी जंगी ऐलान करके विगत 3 दिनों से धरने पर बैठा है। लिहाजा स्थिति को देखते हुए शासन प्रशासन को छोड़कर अब स्थानीय विधायक रवि जोशी संघ की सुध लेने पहुंचे और समस्या का निराकरण करने की बात कही। इस दौरान विधायक ने बताया कि भाजपा सरकार ने मजदूर तबके को जिंदगी के 2 राहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। वहीं यह भी बताया कि संघ की समस्या को वे विधानसभा में उठाएंगे। बहरहाल स्थानीय विधायक रवि जोशी द्वारा आश्वस्त करने के बाद मजदूर संगठन ने कुछ राहत की सांस ली है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पे है। मेरा सरकार से गुजारिश है कि सरकार कोई नियम कानून बनाती है तो जिनके लिए नियम कानून बनाती हूँ उन लोगों के प्रतिनिधि मंडलों से चर्चा करके नियम कानून बनाना चाहिए। सरकार इस वक्त हमाल और तुलावटियों को गला काटने पर लगी है। हम हमाल और तुलावटी संघ के साथ खड़े हैं। किसी भी परिवार का गला नहीं काटने दिया जाएगा। ये न्याय की लड़ाई है। हम सरकार के खिलाफ पूरी ताकत से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से मैं 20 तारीख को विधानसभा में इस बात को लेकर चर्चा करूंगा कि हमाल और तुलावटियों के परिवारों का जो गला घोटा जा रहा है वो न घोटे, उनको भी उनका न्याय दिया जाए, उनको भी उनकी मजदूरी का पूरा पारिश्रमिक मिले। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।